हमारे वहाँ पे जाके आपस में जो नफरतें आ जाती हैं उसकी क्या रीजन है? हमारे नहीं, आपके यहाँ पे, हमारे साइड में नहीं है, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप भी हमारे भाई है, वो भी जो इंडिया में रह रहे वो भी हमारे भाई है, हम सब दोस्ती के साथ रहते हैं। सर क्या यहाँ चले, चले आपने बोला हमारी साइड पे, तो उसकी क्या रीजन है अगर हमारी साइड पे? आपके पॉलिटिशियन लोग, आपकी मिलिट्री ये सब कर रही है, बिल्कुल ये मीडिया का, मेरे ख्याल से मीडिया का, मीडिया का नहीं है, आपकी मिलिट्री और आपके पॉलिटिशियन का है, मीडिया का नहीं है। मीडिया तो जहाँ पे हवा चलती है उस तरफ चलती है मीडिया। तो हमारे पास कश्मीर है, उनका आप देखोगे वेरिएशन कितना, तो आप खुद को खुद जज कर लोगे। यहाँ भी काम पर डेवलपमेंट हो रही है, काम पर एजुकेशन मिल रही है प्रॉपर, अब तो दुनिया ये देख रही है। देखिए 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, रेलवे के अगर ट्रैक की बात करें, इसके अलावा 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे है। दो बार कश्मीर जाके आया हूँ। अच्छा, मुझे तो पिछले टाइम का भी पता है और अभी का पता है। एक टाइम था जब मैं गया था ना कश्मीर में, तब लोग जाते थे अमरनाथ की यात्रा के लिए, कितने लोग थे उस टाइम पे? 85,000। आज कितने हैं वहाँ पर? 5 लाख के ऊपर जाते हैं हर साल। यहाँ आने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों से मिला जाए, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, या दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, उससे देखते ही पहचान लिया गया। मैं आपको बहुत इसलिए फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा, फोटो खिंचाने के लिए जरूर खींच ले सर, जरूर अगर आप फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आप बड़े स्टार हो भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा यूट्यूब पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता, फोटो खींचते हैं, तो आपके बात विचार हर चीज अच्छे लगते हैं, एक दूसरे से दोस्ती व्यवहार हर चीज अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका बात। जो पॉलिटिशियन है अपने राजनेता, उनको बोलो कि भाई मुल्क में डेवलपमेंट करो, डैम बनाओ मुल्क में। अच्छा सर, ये इसका मतलब है बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये डैम बनाओ, बनाओ पावर हाउस बनाओ, ताकि लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले। मेरे पर्सनल बताऊं ना, आपको हैरानी होगी, मेरे घर में मैंने सोलर प्लांट लगाया हुआ 3 साल से। कितना? सोलर प्लांट लगाया हो गया, 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अभी तक 1.5 पैसा मुझे भरना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। गवर्नमेंट आपको बिजली के पैसे दे रही है? दे रही है पैसा, तो यानी जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आप सेल गवर्नमेंट ले लेती है। आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान नीचे जाए या ऊपर जाए? ऊपर जाए, हमारे साथ चले। जबरदस्त, हमारे साथ चले। जब आप हमारे साथ चल रहे हो तो आपका मुल्क क्यों नहीं चल सकता हमारे साथ? किसी की लाइन छोटी नहीं करने की, अपनी लाइन बड़ी करो। ठीक हो गया, ताकि सामने वाले की लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। ये मैंने देखा था, हाथ से भी मेरे ख्याल से खाते हैं, बहुत रेयर होता है ये। अच्छा अच्छा, ये भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा, भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि इंसान है ना हम। जय हिंद बंधुरा, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। আসলে বন্ধুরা, গতকালকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জম্মু কাশ্মীরে ভিজিট করে। তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জম্মু কাশ্মীরে ভিজিট করার পরে সেখানে একটাই স্লোগান শুনতে পাওয়া গেছে, সেটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি হে তো সব কুছ উনকে মে, নরেন্দ্র মোদি হামারা শের হে। ঠিক এমন টাইপের স্লোগান আর এমন টাইপের নারাকে কাশ্মীরিদের মুখ থেকে শোনা যায়। আর এখন এই সবকিছুকে দেখে পাকিস্তানিদের তো পিছনে ভীষণ জ্বলছে, কেননা নরেন্দ্র মোদি সেখানে যাওয়ার পরে সেখানে প্রকাশ্যে বলে দেওয়া হয়েছে যে কাশ্মীরের সাথে রেল ব্যবস্থাকে গোটা ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা সবকিছু এক রুটে করা হবে। আর বর্তমান সময়ে ভারত জম্মু কাশ্মীরের ভেতরে এতটা উন্নতি করার কথা বলেছে, এটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে উন্নতি হচ্ছে। আর সামনের দিনে এত বড় একটা ইনভেস্ট হবে, এমনকি এত বড় সেখানে প্রজেক্টের কাজ হতে চলেছে, সেটাকে নিয়ে পাকিস্তানিদের চিন্তা। পাকিস্তানিরা ভাবতো যে আমরা সর্বদা জম্মু কাশ্মীরে নিয়ে কথা বলবো, হয়তো কাশ্মীরি লোকেরা আমাদের সাথে সাথ দিয়ে তারা ভারত থেকে বেরিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হবে। কিন্তু বর্তমান দিনে কাশ্মীরের যে অবস্থার, কাশ্মীরি মানুষের যেভাবে দিন যাপন করছে, সেটাকে দেখে আজকের দিনে কোনো কাশ্মীরি কি চাইবে যে আমরা 3 বেলা 3 মুঠো ভালোভাবে খেতে পাচ্ছি, যেখানে সমস্ত কিছু ফ্রিডম আছে, যেখানে শান্তি আছে? অপরদিকে পাকিস্তানের যেখানে খাওয়ার জন্য একটি দানা নেই, যেখানে মানুষের কোনো ভ্যালু নেই, যেখানে সমস্ত কিছুর অসুবিধা, তারা কি চাইবে জম্মু কাশ্মীর ভারতের ভেতরে যুক্ত না হয়ে সে সমস্ত মানুষগুলো পাকিস্তানের সাথে হয়ে বা পাকিস্তানের কথা বলতে? আর এটাকে নিয়েই পাকিস্তানিদের সব থেকে বড় ভয়, কেননা প্রথমত তারা জম্মু কাশ্মীরকে ভারত থেকে ভেঙে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে করে নেয় বা ছিনে নেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও জম্মু কাশ্মীর ভারতের ছিল, আছে আর থাকবে, কিন্তু এখন সেখানকার মানুষগুলো যখন স্লোগান দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদি হে তো সব কুছ উনকে মে, নরেন্দ্র মোদি হামারা শের হে, এরকম টাইপের স্লোগানকে দেখে পাকিস্তানিদের পিছনে ভীষণভাবে জ্বলছে। তো বন্ধুরা, যেটাই হোক, পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর তাছাড়া এই ভিডিওটিকে লাইক করতে কেউ আপনারা ভুলবেন না, কেননা লাইক করতে কোনো তার পয়সা লাগে না, এটাও সম্পূর্ণ ফ্রি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং,
जय हिंद वंदे मातरम। यस हेलो, आपका नाम? मेरा नाम भरत कुमार। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर, इंडिया। इंडिया से? कौन से सिटी से आप? मैं पोरबंदर से हूँ, प्रॉपर्ली स्टेट ऑफ द गुजरात। गुजरात से हैं? ठीक हो गया। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के अपने जगह से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नरेंद्र मोदी के फैन हो, उसकी जगह से। अच्छा, कश्मीर का विजिट था, वहाँ पे बहुत ज्यादा वो 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में करने जा रहे हैं। तो करेंगे ना भाई, वहाँ तो उसका आगे लाना, सारे मुल्क को डेवलप करना है ना। अच्छा, फिर कश्मीर कैसे पीछे रह सकता है? जबरदस्त है, देखें जी ये चीजें हैं। हम अपने वहाँ पे ये नारे लगा लेते हैं जी, कश्मीर ये कश्मीर लेके रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट भी करने की जरूरत है प्रैक्टिकली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग मिलके रह रहे हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, सभी लोग मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे जाके आपस में जो नफरतें आ जाती हैं, उसकी क्या रीजन है? हमारे नहीं, आपके यहाँ पे, हमारे साइड में नहीं है, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप भी हमारे भाई है, वो भी जो इंडिया में रह रहे हैं वो भी हमारे भाई है, हम सब दोस्ती के साथ रहते हैं। सर क्या चले, चले आपने बोला हमारी साइड पे, तो उसकी क्या रीजन है? अगर हमारी साइड पे आपके पॉलिटिशियन लोग, आपकी मिलिट्री ये सब कर रही है? बिल्कुल, ये मीडिया का, मेरे ख्याल से मीडिया का नहीं है, आपकी मिलिट्री और आपके पॉलिटिशियन का है, मीडिया का नहीं है। मीडिया तो जहाँ पे हवा चलती है उस तरफ चलती है मीडिया। ठीक हो गया, तो क्या आपको लगता है सोच बदल सकती है? ऑफ कोर्स बदलेगा, ऑफ कोर्स बदलेगा। जो इंडिया की तरक्की हो देख के आपने भी अपनी तरक्की करनी है, आपने सोचना है, मतलब कि हमें भी इस तरह तरक्की करनी है। ठीक हो गया, ये लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं बनने वाला, मतलब भाई ओपनली ये हम कहते हैं। मैं इंडिया जगड़ा, मेरे सामने खड़ा है, लड़ाई झगड़े से काम बनता तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते रहते, कहीं पे पीस नहीं चलता था। एक इंडियन मेरे सामने खड़े हैं, सीनियर है, मैं इनके सामने कहता हूँ कि मुझे इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, क्या आपको उससे मसला होगा? उसमें मुकाबला करने से मसला होगा? अपनी लाइन बड़ी करो, किसी की लाइन छोटी मत करो, ये चीज है। जबरदस्त सर, अभी आप जा किधर रहे थे? मैं यहाँ पे जो परिंदे है ना, इनको खाना खिला, खाना तो आए, अगर आप हम दोनों मिलकर खाना खिलाते हैं, उसका भी आप फोटो निकालो, कैसे मजा आएगा। बिल्कुल, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए लोग आते हैं। ये जो ये क्रीक है ना, ये हमारा दूसरा इलाका है। अच्छा, समझे, हमारा रोज का विजिट यहाँ पर है। ठीक हो गया, बेसिकली आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं इधर दुबई में? दुबई में तो मैं 45 इयर्स से हूँ। ओ, तो फिर तो ये 1978 से। ठीक हो गया। अच्छा, 1978 से और आज क्या फर्क आ गया दुबई में डेवलपमेंट में? मैं तो समझता हूँ सारा, जब मैं दुबई में आया था तो खाली ये छोटा सा इलाका था, ये इलाका पूरा खंडियर था, इसमें इन्होंने रिनोवेट करके इतना बड़ा बना दिया कि यहाँ पे टूरिस्ट की अभी लाइनें लगी है। ये है डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। सर हमारे और आपके मुल्क में भी बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह है। अपने जो पॉलिटिशियन है, अपने राजनेता, उनको बोलो कि भाई मुल्क में डेवलपमेंट करो, डैम बनाओ मुल्क में। अच्छा सर, ये इसका मतलब है, बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये डैम बनाओ, बनाओ पावर हाउस बनाओ, ताकि लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया, इंडिया में तो बिजली फ्री है ऑलमोस्ट, कितना तकरीबन 200 यूनिट 300 यूनिट? हमने देखो अभी, मेरे पर्सनल बताऊं ना, आपको हैरानी होगी। जी जी, मेरे घर में मैंने सोलर प्लांट लगाया हुआ 3 साल से। कितना? सोलर प्लांट लगाया हो गया। 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अभी तक 1.5 पैसा मुझे भरना नहीं पड़ा, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही है। गवर्नमेंट आपको बिजली के पैसे दे रही है? दे रही है पैसा, तो यानी जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आप सेल गवर्नमेंट ले लेती है और हमको पैसा उसके सामने देती है। नहीं, ये पॉलिसी शायद मैंने थोड़ा सुना था कि पाकिस्तान में भी आई है, लेकिन इसके ऊपर ना तो वर्क किया जा रहा है, पॉलिसी कोई आ चुकी है, डेवलपमेंट है, लोग सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। यहाँ आने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों से मिला जाए, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, या दुनिया के किसी भी कंट्री से हो, उसे देखते ही पहचान लिया गया। सर अभी खाने के लिए जो आप परिंदों को खाना लेकर आए हैं उसके लिए चलते हैं। हेलो सर, आपका नाम? अनिल कुशवाहा। आप कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से। और आपका नाम? इंडिया आनंद दुबे। और कभी देखा हमें? हमें आपको बहुत, इसलिए फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा, फोटो खिंचाने के लिए आया। अच्छा, जरूर खींच ले सर, जरूर, अगर आप फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आप बड़े स्टार हो भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको हमेशा यूट्यूब पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, फोटो खींचते हैं। और ये देखे, ये मोहब्बत है इन लोगों की जो हमें मोहब्बत दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा, जो हम काम कर रहे हैं, मैं मोस्टली लोगों से ये एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ, क्या इस वीडियोस का, इस काम का कोई फायदा होगा, या ये सिर्फ मुझे ही फायदा हो रहा है वीडियोस बनाई पैसा? फायदा होता है, आपके बात विचार हर चीज अच्छे लगते हैं, एक दूसरे से दोस्ती व्यवहार हर चीज अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका बात। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े सीनियर हैं कि मतलब ये मुझे सिर्फ फायदा, वो सोचेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज है, इनके बारे में सोचो, और इन लोगों को सुनेंगे कि भाई ये देखें यहाँ पे आके, दुबई में आके किस तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान नीचे जाए या ऊपर जाए? ऊपर जाए, हमारे साथ चले। ओ जबरदस्त, हमारे साथ चले। जब आप हमारे साथ चल रहे हो तो आपका मुल्क क्यों नहीं चल सकता हमारे साथ? हो गया, ये सोच होनी चाहिए, और इस सोच से ही हम आगे बढ़े। किसी की लाइन छोटी नहीं करने की, अपनी लाइन बड़ी करो। ठीक हो गया, ताकि सामने वाले की लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। अब कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया देखेगी उस डेवलपमेंट को। ऑफ कोर्स,
कश्मीर में तो डेवलपमेंट हो रही है ना, ट्रेन का वो वहाँ पे सारा सिस्टम। और उसके अलावा दो बार कश्मीर जाके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे तो पिछले टाइम का भी पता है और अभी का पता है। आगे से बेहतर से बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन होगा। और बेहतर एक टाइम था जब मैं गया था ना कश्मीर में, तब लोग जाते थे वो अमरनाथ की यात्रा के लिए, कितने लोग थे उस टाइम पे 85,000। ठीक है, आज कितने हैं वहाँ पर? 5 लाख के ऊपर जाते हर साल, हर साल 5 लाख के ऊपर। और अभी तो रोड्स बांध रही हैं। ये तो कौन से एरिया, कौन सा एरिया? ये पहलगांव बोलते हैं उसको, कश्मीर का एरिया है पहलगांव, और वहाँ से आगे जाने का है। ठीक, तो पहले जाते थे 50,000 लोग, और अब जा रहे हैं 5 लाख लोग। तो फैसिलिटी के बगैर तो नहीं जा सकते हैं, नो डाउट। और हमारे यहाँ हमारी साइड पे जो कश्मीर है ना, फिर ऐसे ही है हर जगह पर ये चीजें, ये चीजें हमें भी इन चीजों पे वर्क करना है, हमें भी अपने कंट्री को सोचना है। ये मुल्क हमारे सामने बना है, हमने हम भाइयों ने बनाया, पाकिस्तान इंडिया वालों ने यहाँ पे बनाया ये मुल्क। इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सारा जो कुछ हमने काम किया है, लेकिन ये हमारे क्रेडिट देते हैं ना, इज्जत करते हैं हमारी, इज्जत बहुत देते हैं। मैं तो कहता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन, और सबको ये एक समझते हैं, ऐसा नहीं कि ये इंडियन है, सबको यहाँ पर बोलते हैं भाई ये यूएई है, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, समझा? ऐसा ही है, जबरदस्त। सर मैं कहता हूँ आपने वो मंदिर देखा होगा, शायद आपने वहाँ पे गए होंगे, हाँ, पिछला आपका वीडियो देखा था, 2-3 पाकिस्तानी एक बंगाली से आपने इंटरव्यू किया कि भाई यहाँ क्या फर्क है, बोले ये देखो ये हमने क्या किया है, बोले यहाँ पे आपको कुछ लगा? बोला कुछ नहीं, हमने काम किया है, हमको अच्छा लगा। ठीक है, तो वहाँ पर तो कोई नहीं था हिंदू मुसलमान का ये। और ये सिर्फ वो नहीं कि अबू धाबी में, यूएई की किसी भी एरिया में आप चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, यही कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ इवन शारजा जहाँ पे जरा इस्लामिक रूल है, लेकिन वहाँ पे भी सारी जगह में यही कंसेप्ट है, सारी जगह। हम जहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर 60% मुझे पाकिस्तानी बंदे हैं हमारे साथ, हम भाइयों की तरह रहते हैं, साथ में चाय पीते, साथ में खाना खाते, चाश में नाश्ता करते। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो 60% लोग पाकिस्तानी है ना, उनको मेरी वीडियो जरूर दिखाइएगा, उन्हें बताइएगा। हम लोग साथ में बैठ के देखते हैं भाई। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि यार ये झूठ बोल रहा है, कुछ समझते हो? नहीं तो आप उन्हें बताया करें ना, लेट सपोज वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो बोला करें एक बात बताओ जो इसने झूठ बोली हो। नहीं, हम तो बोलते हैं ना उनको, तो थोड़ा हमारे से मस्ती करते हैं, होते हैं, नहीं, होते। कफास नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, कफा नहीं होते। ठीक हो गया, कफा होने वाली चीज वहाँ पर नहीं है। यार दोस्त मिलके चाय पानी नाश्ता करते बैठते हैं, ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लोगों से बात करके एक एनर्जी मिलती है, बड़ा एक एनर्जेटिक सा एनवायरनमेंट बन जाता है, कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उन्होंने थोड़ा सा मतलब यह है कि ये भी बताया कि पाकिस्तान आगे जा सकता है, लेकिन वो तब जब हम अवेयरनेस के ऊपर वर्क करेंगे, जब किसी की टांग खींचने के बजाय अपने आप को ऊपर लेकर जाएंगे। सर आए अभी जो आप बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे थे, परिंदों को खाना खिलाने जा रहे थे, आइए वो हम चलते हैं साथ में। और नजारा भी आप देखो, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? विकास कुमार। विकास भाई कहाँ से आप? मैं इंडिया से, स्टेट पंजाब, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। जबरदस्त हो गया, यहाँ पे हम इस समय दुबई में मौजूद हैं। ये लोकेशन कौन सी है? ओल्ड बर इस तरह का कुछ नाम? हाँ, ये बर दुबई है। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे टूरिस्ट हैं, इंडिया से भी मौजूद हैं, पाकिस्तान से भी मौजूद हैं, दुनिया के हर कंट्री से मौजूद हैं, सभी मिलके रह रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, यहाँ पे बिजनेस भी करना चाहते हैं, और यहाँ को आके देखना भी चाहते हैं। हमारे वहाँ में और यहाँ में क्या फर्क देखते हैं आप? अपने यहाँ वहाँ पर क्या, एक्चुअली यहाँ पर दुबई के अंदर क्या, सभी कल्चर के लोग है यहाँ पर, दूर दूर से जो टूरिस्ट है वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, और बिजनेस भी है, पाकिस्तानियों का भी है, इंडियंस का भी है, बांग्लादेशी का भी है, क्योंकि जहाँ पर मैं जॉब करता वहाँ के ऊपर जो चाय देने के लिए आता उनका बिजनेस है वो पाकिस्तानी है, हम उनके हाथ की बनाई हुई चाय पीते हैं। और आप क्या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ ज्वेलरी शॉप के अंदर, ठीक है, नाम नहीं लेगा ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए। अच्छा, अभी तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि सोच बदलती नजर आ रही है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्तलिफ एरियाज में जा रहे हैं, पहले तो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, अभी उन्होंने कश्मीर का टूर किया है, विजिट किया, और वहाँ पे 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में ऐसी ही टूरिज्म वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल, वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रही है, अभी आप रेलवे सेक्टर देखोगे तो दिन पर दिन ग्रोथ कर रहा है रेलवे सेक्टर, ठीक है, और आने वाले टाइम पे अभी अंडर वाटर ट्रेन का भी प्लान है, और बुलेट ट्रेन का भी जो मतलब पटरी है ना, अभी तक ऑलमोस्ट एक कॉरिडोर पूरा हो चुका है, अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक, लाइक मुंबई तक कॉरिडोर पूरा हो चुका है, अभी उसका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर बुलेट ट्रेन का। ये चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये भाई है, एजुकेटेड है, इन चीजों का पता है, और यही सब चीजें हमें भी पता होनी चाहिए। आज अगर बात करें इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसकी रीजन ये लोग भी है, बेशक ये इंडिया में नहीं रहते, लेकिन ये एजुकेटेड है, ये पैसा यहाँ से वहाँ पे कमा के भेज रहे हैं, और इसके अलावा इन्हें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने कंट्री का इमेज
बेहतर करना है, क्या समझते हैं कि क्या आने वाले टाइम में पॉसिबल है पाकिस्तान के लोगों की भी सोच बदले, और ये जो कश्मीर में जैसे आप लोग डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं वहां पे तो अब नारे प्रॉपर लग गए हैं, वो नारा लग रहा था बकायदा मोदी हमारा शेर है, ठीक है, आपने शायद वीडियो वगैरह देखी हो, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आप क्या राय रखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से? इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ही है, जो वो काम कर रहे बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं 100%। एक दो काम हो सकते हैं जो ना पसंद हो, लेकिन अभी जो उनकी सोच है वो पूरे जो इंडियन के जो सभी कल्चर्स को सभी रिलीजन को एक साथ लेकर पूरे अपने देश को सबसे फर्स्ट रखते हैं, वो पहली बात है। वो ये नहीं देखते कि अभी किसी को घर मिल रहा तो पाकिस्तानी है या हिंदू, मतलब हिंदू है या मुस्लिम है, उनके लिए कोडिंग सभी बराबर है। अच्छा आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन, ठीक हो गया। अच्छा पाकिस्तान के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? पाकिस्तान सच बताइएगा, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कुछ बुरा लगे या अच्छा लगे, जो आप जो ओरिजिनल राय है आपकी ओपिनियन है वो बताइएगा। एक्चुअली क्या है, हमारा भी जो मैं भी पंजाब स्टेट से है, लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब वो डिवाइड हो गया, उसके बाद से क्या है अभी जितना ग्रोथ हमारे पंजाब में उधर पाकिस्तान में उतना ग्रोथ नहीं है। एक्चुअली वहाँ की आवाम तो यही चाहती है कि यहाँ भी उनकी डेवलपमेंट हो, बट जो ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है या बड़े बड़े ओहदे के ऊपर जो लोग हैं, लेकिन वो खुद को फर्स्ट रखते हैं, उसके बाद जनता को रखते हैं। बस वही यही कहना चाहूंगा कि आप वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एजुकेट कीजिए लोगों को। ये तो चाहते हैं ना पाकिस्तान आगे बड़े डेवलपमेंट की तरफ जाए एज ए इंडियन, ठीक है, यही सोच अगर हमारी भी हो कि भाई नेबर अगर आगे बढ़ रहा है हम अप्रिशिएट करें जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करें, और अगर नेबर की भी यही सोच हो तो शायद दोनों कंट्रीज मिलके आगे बढ़ सकते हैं, और मिलना भी चले ना मिले अपना अपने तौर पे हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। और बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा नेबर है पाकिस्तान वो जल्दी से जल्दी बहुत तरक्की करे, डेवलपमेंट करे, ताकि जो नेबर है अपना स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एशिया के अंदर पूरा अपना नाम होगा और डबल ग्रोथ हो सकता है। लेकिन भाई ये पॉसिबल है, मतलब ये है कि 76 साल से नहीं हुआ ऐसा मुमकिन, तो आप अगर सोचें या मैं सोचूं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये पॉसिबल है ही नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर दुबई में यूएई में या फॉरेन कंट्रीज में जाके हम लोग मिलके रह सकते हैं, ये इंडियन खड़ा है ये पाकिस्तानी खड़ा है कैसे बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से, तो वहां पे क्यों नहीं रह सकते? मतलब इसकी मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आ रही। नहीं एक्चुअली क्या है वहां पर आप जैसे लोगों की थोड़ी कमी है जो एजुकेटेड है या अवेयरनेस नहीं करते जनता को, सिर्फ एक वो क्या एक लॉलीपॉप दिया और रिलीजन का, हाँ रिलीजन का, कश्मीर का, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर शारक है भाई, जो हमारा कमी कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है उनका आप देखोगे वेरिएशन कितना तो आप खुद को खुद जज कर लोगे, ठीक है, यहाँ भी काम पर डेवलपमेंट हो रही है, काम पर एजुकेशन मिल रही है प्रॉपर, अब तो दुनिया ये देख रही है। देखिए 30,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेलवे के अगर ट्रैक की बात करें, इसके अलावा 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे है, और दूसरी साइड पे अगर हम अपनी साइड की बात करें तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाता है, कभी किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट किया जाता है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमें अपने घर को ठीक करना है, इन्हें अपने घर को ठीक करना है, मुझे इनके बारे में पॉजिटिव सोचना है, इन्हें मेरे बारे में पॉजिटिव सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल अच्छा बयान है, और ऐसा ही होना चाहिए तभी अपन तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और आइए।